ये अहिम भाई का पौनी में अभी कन्नी बांध रहा हूँ। बिल्कुल पौनी से उड़ाने में मज़ा आता है, छोटी पतंग लग लग के चला गया। चाइना डोर भी उड़ा रहा था, चिड़ी डोर भी उड़ा रहा है, तो इसे काटना बहुत आसान है। अभी एक बड़ी पौनी उड़ाऊँगा मैं अहिम भाई की, ये हिरन पौनी है और ये बागादा का बड़ी मझोली है, अधी से ज़रा सा छोटा है। मुझे बागादा ने बना के दिया दिल से। और बचपन के तरह हर बार आज भी एक हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मेरा 42 एज होने वाला है दिसंबर में, और मेरे याददाश्त में मैं 5-6 साल उम्र से ही छतोपे से पतंगबाजी करता हूँ। ठीक है, ये सारा बोलने का मतलब ये है कि 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन हमारा कोलकाता में, और 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा आज, हालांकि 18 तारीख में हुआ है, हम लोग बंगाली में तिथि का वजह से जो है एक दिन ओवर में हुआ है, आज 18 तारीख विश्वकर्मा पूजा है। तो सबको हम लोग आप लोगों को शुभकामनाएँ, आंतरिक शुभेच्छा सबाई के दीची, सबाई के बोलची, सबाई भलो थकून, आनंद करूँ। हमारे बाड़ीते आज के भलो भलो रान्ना बानना हो, बाबा मा इसे सबाई আমার ছেলেও এখানে ঘুরে ঘুরাচ্ছে, সাকিলও ঘুরে ঘুরাচ্ছে, আপনারা দেখতে পারেন। ঠিক আছে, আজকে ক্যামেরা স্পেশাল আছে। ये मेरा लड़का अभी मेरा ही मांझा ले लिया है, देखिए। हालांकि इन लोगों को वसीयत बना दिया, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, और पौड़ीदा का सब मझोली से छोटा, सूतियाली से बड़ा, आड़ियाली बोलते हैं हम लोग कोलकाता में, वो साइज की पतंगे हैं ये, बहुत ही शानदार है समझ लीजिए। इसकी उम्र कुछ 7-8 साल होगी। अभी शकील ने एक पेज काटा है, लगातार बहुत पेज काटा है इन लोगों ने, जबकि हम लोग रिकॉर्डिंग अभी बहुत देर में बनाना चालू किया। पतंग बहुत उड़ाया हम लोगों ने आज।
ये मेरा ग्राउंड की चरखी होती थी, मैं हर साल मांझा बना के ला के उड़ाता हूँ। और ये सब चरखा जो है मेरे मरने के बाद मेरा बेटा लोग रखेगा। अभी खाई भाई का पतंग उड़ा के मैं पौनी पतंग उड़ा रहा हूँ, काट रहा हूँ। पौनी उड़ाना मुझे बहुत पसंद है, चाइना डोर को भारी पतंग से काटना बहुत आसान है। मेरा पतंग का जूम करके दिखाओ, हम फिर लड़ाएंगे।
की तरह अभी शाम होने में बाकी है। मैं मोबाइल भेज दे रहा हूँ, बैटरी मेरा लो हो गया मोबाइल का। ठीक है, मसला ये है कि आज हम लोग बढ़िया से पतंगबाजी किए विश्वकर्मा पूजा में, तब दिन से शुभेच्छा सबाई के। हमार मन थे दुआ थकलो যে প্রত্যেক বছর আমরা এইভাবে আনন্দ আমরা কলকাতার বুকে করতে থাকি, আর সোশ্যাল মিডিয়ার মাফতে আমাদের বিশ্বকর্মা পুজো পুরো ইন্ডিয়া জানে, যেটা আগে সবাই জানতো না। আজ থেকে খালি মাঞ্জালা কুয়েলার যারা পাঠাতো তারা জানত, আর কেউ জানত না। সবকো ইয়ে নেই জানতা থা, মানে যে বাতায়া ও হিন্দি মে বাতা রা হুঁ, সবকো ইয়ে চিজ নেই জানতা থা বিশ্বকর্মা পূজা কলকাতা মে ক্যা হোতা হ্যায়। আজ কা ডেট মে সোশ্যাল মিডিয়া কে জরিয়ে সে সবই কোই জানতে হ্যায়। ये जैसा बीकानेर में अक्षय तृतीया होता है पतंगबाजी की, वैसा कोलकाता में विश्वकर्मा पूजा होता है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग का ये त्यौहार मनाया जाता है, और हम लोग पूरे कलकत्ता इस त्यौहार में लिप्त रहते हैं, बिल्कुल मतलब एक साथ रहते हैं। सो आज भी है। ठीक है भाई, चलिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना और सब बताना कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, और इंशाल्लाह कल परसों से मैं कुरियर का काम में सब लग जाऊँगा। माजा पतंगी सब रखी हुई है, इंशाल्लाह दुआ में याद करें, और कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़।